यार कितना मजा आता है ना अगर आप लोग घर से दूर किसी एक ऐसी जगह आके बैठ जाओ जहाँ सामने नदी चल रही हो और चारों ओर नेचर देखने को मिल रहा हो, एक अलग ही मन की शांति मिलती है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आपके अपने घरों से सीधे तीर्थन वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर जगह है। और आज हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं और ये जवानी है दीवानी फिल्म की जहाँ पे शूटिंग हुई थी उस पॉइंट पे भी जाने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीर्थन करके जो नदी है वो बह रही है और मेरा रिजॉर्ट जो है बिल्कुल इस नदी के बगल में है, रिवर व्यू रिजॉर्ट। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिजॉर्ट के बारे में भी और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखने लायक। सो गाइस दिस इज द व्यू फ्रॉम माय विंडो। दो खिड़कियां हैं, एक सामने है और एक राइट साइड में। अमेजिंग रिवर व्यू है यहाँ से सीरियसली, और उठते के साथ से रिवर व्यू दिखता है ना तो मजा ही आ जाता है एकदम। वे जाली आ गई। गाइस मैं आपको इस रिजॉर्ट का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे कॉटेजेस से बने हुए हैं और काफी खुला एरिया है, और यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट भी है जहाँ पे गेस्ट आके बैडमिंटन और वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं। वाह, दिल्ली से इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। इसके अंदर उन्होंने चिमनी वगैरह भी लगाई है तो बोनफायर वगैरह इसी के अंदर होता है। बाकी वो सारे कॉटेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे भैया जो इनको मैनेज करते हैं यहाँ पे, उनको वो लोग यहाँ पे रहते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे जलोरी पास के लिए। और हमारे साथ जो गाइड हैं वह हैं दिनेश जी। और आप यहीं से दिनेश जी, तो आप थोड़ा बताएंगे हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ रुकेंगे और कैसे वापस आएंगे? यहाँ से सर 5 किलोमीटर बंजार है और वहाँ से 25 किलोमीटर जलोरी पहुँचेंगे। 25 किलोमीटर जलोरी पहुँचे, कितना टाइम लग जाएगा जाने में? जाने में 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा लग जाएगा। फिर जलोरी पास से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। ट्रैकिंग करनी है आपने? हाँ हाँ, अगर ट्रैकिंग करनी हो तो कितना टाइम लग जाएगा? डेढ़ दो घंटा एक साइड। ठीक है, तो गाइस हम लोग ये जवानी है दीवानी पॉइंट और जलोरी पास घूमते हुए देखते हैं कितना ट्रैक कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो हम लेक तक भी जाएंगे, अदरवाइज वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। बाकी हम अपडेट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देना उस लड़के को। तो गाइस यहाँ से रिवर क्रॉस करने का एक अनोखा तरीका है, हम लोग ट्रेन के थ्रू ऐसे करके रिवर क्रॉस करते हैं। वाओ, और सामने वो भैया वहाँ से खींच रहे हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस है सीधे। यो यो, फारस आर यू एक्साइटेड? यस यस। वो रहा हमारा रिजॉर्ट, हम लोगों ने रिवर क्रॉस करके आ गए हैं रोड से, और वो हमारा टेम्पो ट्रैवल आ गया है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बज रहा है अराउंड 12, लड़कियों ने करा दिया लेट। मीट माय फ्रेंड कनिका। हाय हिमांशु, वी आर रियली एक्साइटेड टू गो टू ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और मैं जल्दी से आपको अपने दोस्तों से मिलवा देता हूं। 0 डिग्री था शायद, हम लोग रात में पार्टी जब कर रहे थे। Chilly and romantic, so all must come here. But आपने स्वेटर तो पहनी नहीं है, चिली कैसे हो रहा है? हमने 12 घंटे की जर्नी 19 घंटे में कवर करी है। अरे वाह, 12 घंटे की जर्नी 19 घंटे में, नाइस। With lot of fun. With lot of fun. Yes, मतलब दोस्त सारे साथ में होना तो मजा आता ही है। ऐसा फील हो रहा है आपको? We are excited, super excited. We just hope that we get to track and get to see the lake. जलोरी पास पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले से बर्फ चालू हो गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है सीरियसली, जो हिल व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है ना, अमेजिंग। एक बार आना तो बनता है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड जलोरी पास, और इसकी जो हाइट है एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी,
10,280 फीट है और यहाँ से पूरा ग्लेशियर्स दिख रहे हैं और पूरा बर्फ से ढका हुआ है चारों ओर। जस्ट मेरे पीछे एक टेंपल है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप लोग टेंपल में जाके जस्ट इसके लेफ्ट साइड से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक पीक दिख रहा है रघुपुर, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन और अच्छा देखने में लग रहा है। तो गाइस ये ट्रैक जो जाता है वो सरेउलसार लेक तक जाता है। अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 2 hours हमें लगेगा और ट्रैक ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल ट्रैक है। सो गाइस यहाँ से अभी 5 kilometers और आगे है और थोड़ी सी स्टार्टिंग में बर्फ मिली थी, अब आगे रास्ता बिल्कुल प्लेन है, धूप भी है रास्ते में। और ये मेरे राइट हैंड साइड में जैसे आप देख रहे हो नीचे, ये पूरा ये जवानी है दीवानी पॉइंट है, यहाँ पे पूरा उनकी शूटिंग वूटिंग हुई थी जहाँ पे रात को रुके थे, अगर आपने वो मूवी देखी है तो। जस्ट जी ये जवानी है दीवानी पॉइंट क्रॉस किया है बिकॉज हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे रुक के टाइम वेस्ट नहीं किया, हमें लगा कि लेक का टारगेट करके तुरंत निकलते हैं। बाकी ट्रैक ईजी गोइंग है, मज़ा आ रहा है, गाने सुनते सुनते चल सकते हैं। मैंने गाने इसलिए बंद करे हैं बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आपको ऑलरेडी पता ही है। तो चलते हैं और सफर का आनंद लेते हैं, ट्रैक का आनंद लेते हैं। यही है वो नेचर जिसे हम देखने आए हैं, इतनी दूर गुड़गांव से दिल्ली से यहाँ तक इतनी दूर आने के बाद जो व्यू देखने को मिलता है ना, दिल गदगद हो जाता है एकदम। गाड़ो ना कितना मस्त लग रहा है। राहुल भाई फोटोग्राफी के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं, एकदम फुल एंजॉयमेंट के साथ चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली से आए हो, वाह नाइस, कैसा लगा फिर आपको, मजा आ रहा है? बहुत सरप्राइज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? डिफरेंट काइंड ऑफ लेक। मौसम प्रशांत। मौसम एंड प्रशांत, थैंक यू सो मच यार। सो गाइस हमें प्रशांत और उनके दोस्त मिले और उन्होंने हमारी हेल्प करी, हम पानी लाना भूल गए थे। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो पानी की बोतल जरूर साथ में रखें क्योंकि चलते चलते पानी की प्यास लग जाती है। और उन लोगों ने हमारी हेल्प करी, पानी पिलाया, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मेघा तो रॉकेट हो गई है एकदम। ट्रैक जो है ऑसम, नेचर व्यू से भरा हुआ है और हर एक मोड के बाद अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है सीरियसली। और फोटोग्राफी करने के लिए तो फोटोग्राफी वालों के लिए तो जन्नत है। स्नो जो शाइन कर रही है पत्थरों के ऊपर, देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच, ऑलमोस्ट रीच, और एक्साइटमेंट लेवल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। देखते हैं कैसे हो नली लेक। क्या बात कर रहे हो, अभी आधा घंटा लगेगा कम से कम। वो तो बोले थे 2-3 minutes में। अरे यार एक्साइटमेंट खत्म कर दी तुमने पूरी। अगर टॉप पे जाना है Guys, are you enjoying? Yeah! Nice. Randomly हमें यहाँ पे मुझे अपना एक पुराने फ्रेंड मिल गए और मेरे कलीग थे ऑफिस के, और अभी पूरी टीम उनकी आई हुई है, मेक माई ट्रिप में काम करते हैं सारे लोग और काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी मज़ा आया। और हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल सामने, मुख्य सामने लेक है और थोड़ा सा रास्ता स्लिपरी है क्योंकि बिकॉज बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर से गंदगी भी हो गई है और पाला भी है। ठंडी ठंडी बर्फ का मजा ही कुछ और है। तो गाइस हमने स्टार्ट किया था ट्रैक 2:30 के आसपास और अभी 4 बज गए हैं, काफी सही टाइम पर पहुंच चुके हैं लेक के पास, अभी भी उजाला है। सनसेट व्यू, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार जिंदगी में, ऐसा सनसेट व्यू, वाह।
गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड और काफी मजा आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर से काफी स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से, और ठंड भी कीड़ी पड़ रही है। अभी तो थोड़ी धूप है तो ठंड कम है, और बाकी ट्रैक काफी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। बट जब उतना पूरा घूम के आप यहाँ पे आ जाते हैं ना, इस व्यू देखने के बाद, टोटली वर्थ इट। सीरियसली मैन, इट्स टोटली वर्थ इट। सो गाइस, यहाँ पे इस तरह से पानी निकल लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे पानी है नहीं, तो बर्फ बर्फ को गर्म करके पानी निकाला जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा रॉकस्टार ढाबा और काफी अच्छा खाना है। हम यहाँ पे पूरा नाश्ता वास्ता, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है। हमने यहाँ पे लंच कर लिया है, अब हम जा रहे हैं वापिस नीचे सिटी की तरफ, और भाई साहब लोग आपको मिलेंगे। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी और रॉकस्टार वाले अक्षर सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब हमारे मिल जाएंगे आपको, रॉकस्टार वाले। तो बढ़िया, एकदम आओ, एकदम चाय वाय मस्त मस्त बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। सो गाइस, इसी के साथ ये हमारा सेरोसर लेक, ये ट्रैक यहाँ पे खत्म होता है। हमने बहुत मजे किए और काफी मजा आया, और खाना वाना खा के आगे हम जा रहे हैं वापस अपने टेम्पो ट्रैवलर की ओर सिटी में। और सो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो क्लिक द लाइक बटन। भाई के चैनल पे अगर आप नए हो ना, नए मतलब एकदम नए, तो लाइक सब्सक्राइब घंटा जो है सब कर दो। और इस ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। गिर जाऊं, ये yeah!